हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज टॉपिक 13, तो दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका जो प्रीवियस वीडियो है मैंने अपलोड किया हुआ है, जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि आप लोगों को आइडेंटिफाई कैसे करना है प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस का क्या फॉर्मूला रहता है। तो फिर से आज के वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके स्टार्ट कर रही हूँ प्रैक्टिस सेट 31। तो चलिए अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर एक टेबल दिया है जिसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। फाइंड आउट वेदर देर वॉज अ प्रॉफिट और लॉस एंड हाउ मच इट वॉज। और अभी हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर जो टेबल दिया है उसमें प्रॉफिट और लॉस है तो और कितना हुआ है, प्रॉफिट है तो कितना, लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले अभी मैं आप लोगों को प्रॉफिट और लॉस का यहाँ पर फॉर्मूला लिखकर दिखाती हूँ। प्रॉफिट कब होता है हमें, जब हम कोई चीज़ लाते हैं और उसे महंगा मतलब थोड़ा पैसा बढ़ा कर बेचते हैं, मतलब जो सेलिंग प्राइस होता है वो ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं। तो ये हो गया उसका फॉर्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस कब होता है हमें, जब हम कोई चीज़ लाते हैं और उसे हम सस्ते में बेच देते हैं, कोई नहीं ले रहा है इसके लिए ऐसे ही पड़ा है तो हम सस्ते में बेच देते हैं, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस जो है वो कम हो जाएगी और कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं तो इसीलिए ये हो गया है लॉस। तो इसका ऑपोजिट रहता है, प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर, लॉस में कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। तो आप लोगों को ये दो फॉर्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है, ये एक ही फॉर्मूला है, ये एक्सप्लेनेशन है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखो, तो इसके अकॉर्डिंग आप करोगे ना, इतना याद रखना है, देखो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस, लॉस कॉस्ट प्राइस, ये पहले आता है, ये मालूम पड़ गया तो आप आगे का खुद से लिख सकते हो ना, माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। चलिए अभी हम यहाँ देखेंगे चार्ट में क्या दिया हुआ है, जो टेबल दिया उसमें क्या दिया है। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 है। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो, कॉस्ट प्राइस 4,500, सेलिंग प्राइस 5,000। तो अभी देख कर क्या पता चल रहा है कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली क्या हो गया है, प्रॉफिट अभी कितना हुआ है ये फाइंड करेंगे। चलो अभी से सॉल्व करते हैं। तो पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है ना लिखेंगे, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। सो हियर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 4,500 रुपीज, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 5,000 रुपीज। नाउ वॉट कैन वी नोटिस, हम क्या देख रहे हैं इसमें, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो क्या बन गया, प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जैसे मैंने बोला था सेलिंग प्राइस प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस पहले लिखना है। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 5,000। और कभी भी देखो, बिगर नंबर में से हम स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, इसलिए बिगर नंबर पहले लिखना है, 400। तो 5,000 में से 4,500 माइनस करोगे तो कितना हो जाता है, 500 रुपीज़। तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट इज़ यहाँ पर लिखना है प्रॉफिट, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, प्रॉफिट हुआ है और कितना, 500 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, दिस वॉज द फर्स्ट वन। सेकेंड, सेकेंड में देखो 4,100 दिया है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस 4,090। सो हियर वी कुड सी दैट 100 से 90 लेस है, मतलब यहाँ पर लॉस हुआ है। ये तो ओरली कर रहे हैं ना हम, विद यहाँ पर फिर से लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 4,100, रुपीज़ में दिया है तो रुपीज़ लिखेंगे, और सेलिंग प्राइस है 4,090 रुपीज़। सो हियर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। देखो उल्टा हो गया, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है, जब कॉस्ट प्राइस पहले आता है तो वो लॉस होता है, इसीलिए
लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. सो कॉस्ट प्राइस इज 4100 माइनस 4090. तो अभी माइनस कैसे करते हो, देखो 4100 माइनस 4090. जीरो माइनस जीरो इज जीरो. फ्रॉम जीरो कैन वी सब्ट्रैक्ट 9? नो. सो फ्रॉम हियर वी हैव टू बोरो. और ये वन का हो गया जीरो. 10 माइनस 9 इज 1. 0 माइनस 0 इज 0. 4 माइनस 4 इज 0. सो 10 रुपीज इज वॉट इज लॉस. रुपीज 10 क्या है, लॉस हो गया है. तो यू कैन राइट आर बिफोर और बाद में भी लिख सकते हो. चलो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन. कॉस्ट प्राइस इज 700 एंड सेलिंग प्राइस इज 799. तो मैं अभी डायरेक्टली करूँगी, आप लोगों को पूरा बाद में लिखना है. तो देखिए सेलिंग प्राइस इज 799 इज ग्रेटर. तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. सो दैट मीन्स प्रॉफिट. सो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो सेलिंग प्राइस इज 799 माइनस 700 इज इक्वल टू 99 रुपीज. फोर्थ क्वेश्चन है 1000 कॉस्ट प्राइस दिया है एंड सेलिंग प्राइस इज 920. तो सेलिंग प्राइस तो लेस हो गया ना, कम हो गया है. तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो गया, ये लॉस. यहाँ पर क्या हुआ था, प्रॉफिट. यहाँ पर क्या हुआ था, लॉस. तो ऐसे लिखना है ना. फॉर्मूला लिखेंगे फर्स्ट वाले का क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, मतलब लॉस हो गया. सो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. सो कॉस्ट प्राइस इज 1000 रुपीज माइनस सेलिंग प्राइस इज 920. इज इक्वल टू साइन प्रॉपरली देना है. तो चलो अभी 1000 माइनस 920. किसी किसी बच्चों को ये सब्ट्रैक्शंस भी नहीं आते हैं तो ध्यान देना है. देखो 0 माइनस 0 इज 0 हो गया. बट 0 माइनस 2 पॉसिबल है, नहीं है. बट यहाँ से अगर हेल्प लेना है तो ये भी 0 है. तो ये 1 से हेल्प ले लो. फिर ये 10 हो गया. अभी 10 से हेल्प लेना है. फिर ये 10 हो गया और इसने हेल्प दिया. तो ये 10 बिफोर 9, 1 बिफोर 0. बिफोर नंबर लिख दो सीधे सीधे. तो अभी 9 माइनस 2 इज 7. देन आफ्टर 1 माइनस, यहाँ पर देखो 10 माइनस 2 इज 7 हुआ, 8 हुआ. एंड 9 माइनस 9 इज 0. और ये भी हो गया 0. तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर में, 80. ये देखो यहाँ पर 10 लिखा था ना, तो 80 रुपीज. ओके, सो दिस वे वी हैव कम्प्लीटेड दिस फुल टेबल. तो पूरा टेबल हमारा कंप्लीट हो गया है. तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे. अ शॉपकीपर बॉट अ बाइसिकल, मतलब साइकिल लेकर आया 4 रुपीज़ कितने में, 3000. एंड सोल्ड द सेम 4 रुपीज़ 3400. 3000 में लाया है और 3400 में बेच दिया. सो हाउ मच वॉज इज प्रॉफिट, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ. देखो अब डायरेक्ट पूछा है कि प्रॉफिट है, तो बहुत आसान हम एकदम सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर हम लिखेंगे शॉपकीपर बॉट अ बाइसिकल फॉर रुपीज 3000. सो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल इज इक्वल टू 3000 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस ऑफ bicycle is equal to 3400 rupees. Okay, so now here selling price is greater than cost price is equal to what, profit. So here aise bhi likh sakte ho, here cost selling price is greater than cost price, so therefore this is profit. Aapko kya likhna hai, here cost price selling price is ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो देर इज अ प्रॉफिट. ऐसे भी आप लिख सकते हो या फिर ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो. सो प्रॉफिट
इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना था 3400 माइनस 3000 इज इक्वल टू रुपीज 400। सो अभी यहाँ पर क्या पूछा है, हाउ मच डिड ही प्रॉफिट। सो शॉपकीपर हैड, पूरा लिखेंगे, शॉपकीपर हैड प्रॉफिट ऑफ रुपीज 400। हो गया कॉम्प्लीट आंसर। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। सो दिस वे वी हैव डन इट। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुनंदा बाई बॉट मिल्क फॉर रुपीज 475। शी कन्वर्टेड इट इंटू योगर्ट। अभी उसने दूध लाया है 475 का और उसे दही बना दिया, एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 700। और दही बनाने के बाद कितने में बेचा है, 700 में। सो हाउ मच प्रॉफिट डिड शी मेक। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, चलिए ये भी करेंगे। सो अभी लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ, डायरेक्टली लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क इज इक्वल टू रुपीज 475 एंड सेलिंग प्राइस इज रुपीज 700। या आप लिख सकते हो आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू योगर्ट सेलिंग प्राइस इज 700। ओके सो हियर, अभी मैं पूरा आप लोगों को एक बार वो भी लिख कर दिखाती हूँ कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, है ना। तो कैसे लिखना है, हियर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, पूरा लिख रही हूँ कॉस्ट प्राइस, सो देयर इज अ प्रॉफिट। हो गया। अभी प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इज 700 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस इज 475। तो चलो सब्ट्रैक्शन करो, 700 माइनस 475। 0 माइनस 5 पॉसिबल है, नहीं है। तो यहाँ से कैरी करो, यहाँ से ये लो, ये 9 हो गया और ये 6 हो गया। 10 माइनस 5 इज 5, 9 माइनस 7 इज 2, 6 माइनस 4 इज 2। सो रुपीज 225 इज वॉट प्रॉफिट। सो हाउ मच प्रॉफिट डिड शी मेक। सो शी मेड प्रॉफिट ऑफ रुपीज 225। डन। सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द फुल क्वेश्चन। ओके सो ऑल फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव डन विद द चार्ट टेबल, देन दिस टू आंसर्स वी हैव डन नाउ, सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन हमने किया है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, उसमें हम आगे के ये चार सम देखेंगे, 4, 5, 6 और 7। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और आने वाली वीडियोस देखो, फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करो, ठीक है बच्चों। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, हैव अ गुड डे।